नमस्कार, मैं दीप्ति, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को आज सजा सुनाई जाएगी। हिंसा दोबारा ना भड़के उसको लेकर पंजाब पुलिस की ओर से पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। इसी कड़ी में पटियाला के विभिन्न बाजारों व इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें भारी तादाद में पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। पटियाला की एसपी सिटी ने बात करते हुए कहा कि किसी भी तरह की मुश्किल से निपटने के लिए पटियाला पुलिस तैयार है। वे शहर में फ्लैग मार्च निकाल लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा हर हालत में पंजाब पुलिस की ओर से की जाएगी। ये लोगों को विश्वास बहाल करने का, लोगों को दसने की खातिर कि तुम्हारा शहर है जो वो सुरक्षित है, जो शरारती अंसर है उन्होंने ये पता लगना चाहिए कि किसी किस्म की कोई असी किसी की कोई गुस्ताखी गलती माफ नहीं करा, उन्होंने सख्ती ना नजिठे जाओ, बाकी सारे शहर सुख शांति। आज रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम को उनके गुनाहों की सजा सुनाई जानी है, जिसके चलते हरियाणा पुलिस किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। लिहाजा यमुनानगर पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। एसपी ने रविवार देर शाम जिला सचिवालय में सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स को लाइनअप करके सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसके बाद पूरे दल बल के साथ जिला के प्रत्येक इलाके में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। धारा 144 लगाकर हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा सील कर दी गई है और 21 पुलिस नाके तलाशी अभियान में जुट गए हैं। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा बाबा गुरमीत रहीम के संबंध में जो फैसला आया है, उसके बाद कल 28 तारीख है, कल के लिए क्वांटम ऑफ सेंटेंस और उसका डिक्लेरेशन है, सजा सुनाई जाएगी। तो उस संबंध में मैं मानता हूँ कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज भी हम फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, तो अगेन ये वही एक्सरसाइज है ताकि हम पब्लिक को एक दर्शा सकें और उनको बता सकें कि पुलिस सजग है, किसी भी प्रकार से किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। प्लस ये कार्रवाई हम इसलिए करते हैं ताकि एक जनता में एक हौसला भी बने कि पुलिस सजग है और पुलिस उनके साथ है। जैसा आप जानते हैं कि कुछ मामले में, इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब भी हुई है और उसको, लेकिन पुलिस ने बड़े अच्छे ढंग से उसको कंट्रोल किया है। अगर मैं यमुनानगर ज़िले की बात करूं तो यमुनानगर में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, किसी प्रकार से कोई हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ा है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं मानता हूं कि जो हमने पहले भी जो पुलिस ने प्रबंध किए हैं, प्लस जो हमने पहले भी जो फ्लैग मार्च किए हैं, पुलिस की हमने स्ट्रेंथ शो की है, पुलिस ने हमने अपना दबदबा बनाया है, नाके लगाए हैं और भी एक्टिविटीज़ की हैं, उसकी वजह से जनता में भी एक हौसला बना है और जो गलत एलिमेंट्स हैं या फिर इस आड़ में जो कुछ लोग गलत कार्रवाई करना चाहते हैं उनको भी एक मैसेज गया है और हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि इस प्रकार से हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दिनों में हुई हिंसक घटनाओं का जायजा लेने के लिए बठिंडा पहुंचे। यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बठिंडा के अलग अलग हिस्सों में तैनात सुरक्षा बलों को मिले। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों को पंजाब में शांति बनाए रखने में सहयोग देने के लिए शाबाशी दी। बठिंडा के फील्ड हॉस्टल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पंचकुला कांड में मारे गए पंजाब के रहने वाले डेरा प्रेमियों परिवारों को कोई राहत राशि नहीं दी जा रही, क्योंकि वे वहां कानून तोड़ने गए थे। आपने मानसा से शुरू किया है, फिर मौर थे, फिर बठिंडे, हूँ जाऊँगा मैं बलवाने और फिर मलोट। मेरा और मकसद ये कि इस एरिया समझा जाता सी कि इतने प्रेमियों का गढ़ ज़्यादा है और मैं आके आप देखना चाहता सी कि की पोजिशन है, लेकिन लोग अज मैं बड़े कॉन्फिडेंस मिले, बड़े उन्होंने उभार आया हुआ सी कि इतने शांति रही है। एंड थैंक्स टू आर डी जी पी, इन्होंने सुरेश अरोड़ा जी मेरे नाल ने, इन्होंने अपनी फोर्स सारे कितने लाई हुई सी, सो वी हैड नो ट्रबल। एंड साडे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर और SSP ने पूरे इतने ड्यूटी निभाई है, साढ़े SDM साहिबा भी नाल पिछे खड़े ने। देखो, आई कांट कीप रिपीटिंग, आई यू कम ऑन टाइम और बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ये वी आर हैप्पी दैट थिंग्स आर ऑलराइट। अज इतने बठिंडे शाम तक इतने करफ्यू चक्या गया, अज रात को रखा गया सी, ये सारे एरिया अं चाहते हैं ताकि सेंटेंसिंग तो बाद फिर अगर हालात ठीक रहे
we will lift. But I have left it to the district administration to take a decision. Okay, rakhna hai aur kado tai rakhna hai. To eh, aap tonu dasangi jado samay aoga. Otherwise, we are all very happy. Everything has gone well. Punjab bada peaceful rhea hai. Tode athe Bathinde vich saade total FIR jehdiyan register hoiyan Bathinda zone ch 23 ne. अरेस्टिड लोग जड़े गिरफ्तार हुए ने 30 ने जड़े 57 दे विच फड़े गए ने 45 ने पेट्रोल बम 62 पकड़े गए ने इत्थे 12 बोर बंदूक 1 और उन्हां दे नाल कारतूस 12 एक .22 रिवॉल्वर 1 और 28 राउंड और बाकी सारे चेक वगैरह हो गए ने एवरीथिंग इज नॉर्मल कोई ऐसी गल नहीं है हुण तुसीं पुछ लो कोई क्वेश्चन सरकारी कि जेड़ा नुकसान होया साढ़े प्राइवेट या सरकारी असी लिस्ट बनावांगे एंड वी विल पुट इट अप टू द हाई कोर्ट ताकि डेरे वालों जो हुक्म है हाई कोर्ट का उतों वो पैसे लैके ये पूरा करें। अंबाला पुलिस ने डेरा सिरसा की कुर्बानी टीम का प्लान डी कोड किया है। पुलिस ने इस टीम से 38 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो कुर्बानी टीम ने इस पैसे का इस्तेमाल डेरे के इशारे पर करना था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में अभी कई और आरोपी भी हत्थे चढ़ेंगे और कई अहम खुलासे होंगे। पर जो अभी तक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आई है जिसमें जिनका रोल आया है हम उस अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नहीं ऑफ कोर्स इसमें और कुछ गिरफ्तारियां होंगी और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी इसमें हो सकता है हम और भी रिकवरी हो हमारी टीम रिकवर करे और भी अरेस्ट होंगे। हरियाणा के पंचकुला में डेरा सिरसा समर्थकों द्वारा पत्रकारों ने उन पर हुए हमले का हरिद्वार में विरोध किया जिसके चलते पत्रकारों ने डेरा समर्थक आरोपियों पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही मीडिया चैनलों और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से उचित मुआवजे की मांग की। देखिए जो विगत दिनों में पंचकुला में हिंसा की घटना हुई और विशेष रूप से जो पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा हुई जो ओबी वैन तोड़े गए पत्रकारों को चोटें आईं उसके संबंध में यहाँ के हरिद्वार के जो प्रेस क्लब के समस्त पत्रकार बंधु हैं इनके द्वारा एक धरना दिया गया है और धरने के बाद जो है एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। निश्चित रूप से मेरे द्वारा आप सभी पत्रकार बंधुओं की भावनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ज्ञापन के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। पंचकुला में जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला हुआ कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल की ओबरी वैन को तोड़ा गया और हमले किए गए इस मुद्दे को लेकर आज प्रेस क्लब ने जो है जिले मजिस्ट्रेट के उस पर धरना दिया है और हम लोगों ने जो है आयोग जो प्रेस आयोग होता है उसकी हम मांग कर रहे हैं और ये मांग लंबे समय से भी चल रही है लेकिन इसको अब वक्त आ गया है कि इसको लागू किया जाए। पत्रकारों की सुरक्षा बिल्कुल अहम है। आज पत्रकार ही ऐसा है कि जो कोई भी माध्यम हो किसी भी तरीके से हम अपनी बात को जो है लोगों की बातों को या कोई घटना को हम पहुंचाते हैं यदि हम ही आज सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम जनता तक किस तरीके से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लिहाजा हम तो ये मांग करते हैं इस धरने के माध्यम से हम अन्य राज्यों के भी साथियों को अन्य जो जिले हैं उनके साथियों को भी ये कहना चाहेंगे कि वो भी अपने स्तर से अपने लेवल पे धरना प्रदर्शन करें सांकेतिक धरना दें जिस तरीके से भी हो सकते हैं इस आयोग को इस पत्रकार सुरक्षा को और जो हमले हुए हैं पत्रकार के चौथे स्तंभ पे इनको मुआवजा मिले इनको सरकार पूरी सुरक्षा प्रदान करे। इस फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।